डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज एसके शुक्ला। आज के क्लास में मैं सेंटेंस एंड इट्स टाइप इस टॉपिक का दूसरा वीडियो बनाने वाला हूं। पहले वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस क्या होता है ये बताया था, और ये बताया था सेंटेंस के चार मेन टाइप्स होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इन चारों तरह के सेंटेंसेस में, दो तरह के सेंटेंसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव। आज के क्लास में बाकी जो दो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो तीसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद, वो है इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि हम अलग अलग तरह के वाक्यों का प्रयोग, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग अलग अलग पर्पज से करते हैं। अगर हमें किसी चीज के बारे में बात करना है, कुछ कहना है, किसी चीज को डिस्क्राइब करना है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी से प्रश्न पूछना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें किसी को एडवाइस करना है, हमें किसी को ऑर्डर देना है या कमांड देना है, या किसी को रिक्वेस्ट करना है, या किसी के लिए विश करना है, तो इन सारे पर्पस के लिए, इन सारे पर्पसेस के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वे सारे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। इसको मैंने एक एक्रोनिम में मैंने लिखा है, इस एक्रोनिम को देखते हैं। सो सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस CORAS, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस कोरस, ये एक्रोनिम है जो मैंने बनाया है। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस कोरस एंड वी, ये सेकेंड एक्रोनिम है, आर कॉल्ड इंपरेटिव्स। यानी ऐसे सारे वाक्य जो कोरस और वी को एक्सप्रेस करते हैं उनको हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर रखेंगे। Here C stands for command. C here stands for command. O stands for order. R stands for request. A stands for advice. And S stands for suggestion. So any sentence that express any one of these feelings or any one of these information in it, they will be put into the category of imperative sentences. कोई भी वाक्य जो command को express करे, order को express करे, request को express करे, advice को express करे या suggestion को express करे, ऐसे सारे वाक्यों को ही हम imperative sentences कहते हैं। तो यहां पे command और order में क्या फर्क है? तो कमांड जो है एक फॉर्मल टर्म है जो ऑफिशियल सर्कल में सुपीरियर्स के द्वारा इन्फीरियर्स को इंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो कमांड कहलाता है। ऑर्डर फॉर्मल भी हो सकता है, ऑफिशियल भी हो सकता है, नॉन ऑफिशियल भी हो सकता है। घर में भी आप अपने छोटों को कोई बात कह दें कुछ करने के लिए तो वो ऑर्डर की कैटेगरी में आएगा। एडवाइस और सजेशन, इनमें क्या अंतर है? एडवाइस एक फॉर्मल चीज है और सजेशन जो है इनफॉर्मल है। इसके बाद हम वी के एक्रोनिम को देखेंगे। वी में डब्ल्यू stands for wish and R E stands for entreaty. So entreaty means prayer. तो ऐसे सारे वाक्य जो इनमें से किसी फीलिंग को, इसमें से किसी भी आइडिया को एक्सप्रेस करेंगे उनको इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर रखेंगे हम। हालांकि विश या इंपरेटिव इंट्रीटी को एक्सप्रेस करने वाक्यों को, वाले वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नाउ टेक अ लुक एट द एग्जांपल्स। नाउ इस एग्जांपल को देखिए, ब्रिंग द फाइल। सो देर इज एन ऑर्डर इन इट। अगर मैं कहूं कि कोई आर्मी ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट को कहे अटैक द एनिमी पोस्ट, तो ये कमांड हो जाएगा। गिव मी योर पेन प्लीज,
ये प्लीज जो है सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं, गिव मी योर पेन प्लीज। सो एक रिक्वेस्ट हो गया, टेक वेजिटेरियन डाइट। सो एक एडवाइस हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सारे वाक्य किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस में, और विश और इंट्रीटी को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस ये भी इंपरेटिव में ही रखे जाते हैं, लेकिन इनका एक अलग कैटेगरी है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। जैसे अगर मैं कहूं मे गॉड ब्लेस यू, तो ये मैं एक तरीके से विश कर रहा हूं या प्रेयर कर रहा हूं। सो दिस इज योर इंपरेटिव सेंटेंस। हमारा सेंटेंस का जो लास्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसको जरा देखते हैं। तो फोर्थ और आखिरी टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। टेक अ लुक एट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं उनको जरा हम लोग देखते हैं। तो अपने डे टू डे लाइफ में हम चारों तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने बताया कि किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए या कुछ भी कहने के लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव का प्रयोग करते हैं, किसी को ऑर्डर एडवाइस सजेशन या विश या प्रेयर के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कभी कभी हम अपने अंदर आने वाले किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं या कोई सडन फीलिंग आ गया उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। सो वी कैन सिंपली डिफाइन इट एज सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आर कॉल्ड सेंटेंसेस दैट आर यूज टू एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है ये समझ गए। तो इन चारों तरह के सेंटेंसेस में सबसे ज्यादा कम हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं, सबसे ज्यादा डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत कम यूज होता है, इंपरेटिव रीजनेबली वो भी रिस्पेक्टिवली वो भी कम यूज होता है, और एक्सक्लेमेटरी भी बहुत कम यूज किया जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसके आखिर में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। सो सेकेंड पॉइंट हम क्या देखेंगे, It ends with mark of exclamation। ये mark of exclamation से end करता है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब imperative exclamatory sentences के तीन basic structure होते हैं। पहला structure क्या होता है, first structure क्या होता है कि किसी भी normal sentence के ऊपर, किसी भी नॉर्मल सेंटेंस के पहले आप इंटरजेक्शन लगा दीजिए। यू यूज इंटरजेक्शन बिफोर अ नॉर्मल सेंटेंस, इट बिकम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया कि ये व्हाट से स्टार्ट होगा, व्हाट के बाद नाउन आएगा, ये नाउन सिंगुलर होगा तो आर्टिकल ए लगेगा, ए एन लगेगा, प्लूरल होगा तो आर्टिकल ए एन नहीं लगेगा, इस नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूज किया जाएगा अदर वर्ड्स। तो ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, एंड थर्ड स्ट्रक्चर इज हाउ से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज किया जाएगा और इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मैं अगर लिखूं, अगर एक नॉर्मल सेंटेंस लिखूं कि माय कैट इज नो मोर, तो मैं इस सेंटेंस के पहले अगर एक इंटरजेक्शन यूज कर दूं, मैं लिखूं अलास,
अलास माय कैट इज नो मोर, यहां पे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन के बाद भी यहां भी लगाया जा सकता है और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। तो यहां पे देखा मैंने या आपने देखा कि ये नॉर्मल सेंटेंस में हमने एक इंटरजेक्शन लगा के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना लिया। तो किसी भी नॉर्मल सेंटेंस के पहले इंटरजेक्शन लग जाएगा तो वो खास उस तरह का सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला सेंस देने लगेगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि व्हाट के बाद नाउन आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को देखें, what a house this is। तो यहां किसी घर को देखे सडन फीलिंग आ रहा है, जैसे हमारे सामने एक ऐसा घर आ गया जो हमने पहले कभी नहीं देखा, इतना खूबसूरत, तो उसको देखते अचानक हमारे अंदर जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने लिख दिया व्हाट अ हाउस दिस इज। अगर हम चाहें तो हाउस के पहले एडजेक्टिव लगा सकते हैं, वी कैन यूज व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं एक्सक्लेमेटिव। उसी तरह हाउ से देखें, हाउ के बाद इमीडिएटली बाद एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब लग के वो सेंटेंस का रूप ले लेगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं कहूंगी हाउ डर्टी दिस ऑफिस इज, हाउ डर्टी दिस ऑफिस इज। मान लीजिए किसी ऑफिस में आप जाते हैं और वहां इतनी गंदगी होती है कि देख के आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो सडन फीलिंग आती है, तो आप कहते हैं हाउ डर्टी दिस ऑफिस इज। उसी तरह एक एडवर्ब वाला मैं, यहां पे हाउ जो है इसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है। अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि हाउ ब्यूटिफुली ही प्लेस, तो यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि किसी के खेल को देख के आपके अंदर ये सडन फीलिंग आ रही है। यहां पे हाउ के बाद ब्यूटिफुली एडवर्ब आ रहा है, तो हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेंटेंस के मेनली चार टाइप्स होते हैं। एक बार फिर से मैं उसको यहां पे आपके सामने समराइज कर देता हूं। तो सेंटेंसेस जो होते हैं ये मेनली चार तरह के होते हैं। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक ब्रीफ समरी प्रेजेंट कर रहा हूं। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इनको चार कैटेगरी में हम बांटते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कि किसी भी चीज को कहने के लिए, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए या कोई भी बात कहने के लिए यूज होता है। अपने आम डे टू डे लाइफ में हम 80-90% सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके बाद है हमारा अगला इंट्रोगेटिव। इन दोनों को हमने प्रीवियस वीडियो में इनफैक्ट देखा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है जिसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। आज हमने देखा दो इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जैसा मैंने अभी बताया, ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग किसी को ऑर्डर करने, कमांड करने, एडवाइस करने, सजेशन देने, रिक्वेस्ट करने, किसी के लिए विश करने या प्रे करने के लिए यूज किया जाता है। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो सडन फीलिंग के लिए एक्सप्रेस होते हैं। तो अलग अलग पर्पजेस के लिए अलग अलग इन सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। तो ये फंक्शन के आधार पर क्लासीफाई किया गया सेंटेंस है। हालांकि सेंटेंस को उसके बनावट के हिसाब से सेंटेंस को तीन भागों में बांटा जाता है। ये तो फंक्शन के आधार पर डिवीजन हुआ। अगर सेंटेंस को हम इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बांटे, इफ वी डिवाइड दिस सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, इन दैट केस सेंटेंसेस विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज ओनली। और ये थ्री कैटेगरीज क्या हैं? सिंपल सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस एंड तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो
फंक्शन के आधार पे ये चार कैटेगरी हमने देख लिया। अगले वीडियो क्लास में मैं सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन करूंगा स्ट्रक्चर के आधार पे और इन तीनों तरह के सेंटेंसेस सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करूंगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक द वीडियो गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।